स्क्रीन देख पा रहे हो ना? स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ ठीक 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 पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन। पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब समझेंगे इसका क्या है, मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को, एक पार्टिकुलर ट्रेट को, है ना, बहुत सारे जीन मिलके कोड करते हैं, ठीक है। इन दिस इनहेरिटेंस, इस इनहेरिटेंस में क्या होता है, इन दिस इनहेरिटेंस अ सिंगल ट्रेट is controlled or governed by multiple gene, ठीक है। इससे बहुत पहले हमने जिक्र करा था pleiotropy। In pleiotropy I had discussed a single gene influences many traits। एक जीन बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, बताया था ना, मटर का बीज का साइज बहुत बड़ा, एकदम छोटा है, इंटरमीडिएट में है ना, फिनाइल क्यूटेनेरिया वाला बताया था, एक जीन में यदि खराबी हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, हेयर लॉस हो सकता है। ड्रोसोफिला में एग्जांपल दिया था कि आंख का जीन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक ना, तो उसके बॉडी में भी डिसकलर होने लगा, डिसकलरेशन होने लगता, ये दैट वाज प्लियोट्रॉपी। आज उसका जस्ट उल्टा करें, पॉलीजेनिक इंटरैक्शन मींस एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्किन कलर, फॉर एग्जांपल सीड कलर, इसको कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल करना है ना, दैट इज पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन और क्वांटिटेटिव जीन इंटरैक्शन। इसको समझने के लिए आप बस मोटा मोटी यही समझेंगे कि जितना डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ज्यादा कैरेक्टर डीपली एक्सप्रेस होगा, है ना। इट कैन बी अंडरस्टैंड दैट, इसको समझा जा सकता है more the number of dominant allele more deeply the trait are expressed। ना जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील होगा उतना डीपली कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो देखो इसको क्वांटिटेटिव ट्रेट भी बोल सकते हैं ना, क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट में, क्या चीज, डोमिनेंट चीज, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट प्रोटीन, डोमिनेंट एलील जितना होगा उतना डीपली कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मोटा मोटी इसी तरीके से समझो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्विस्ट कर लेंगे आप लोग भी फोन को, आगे बढ़ते हैं। पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन स्टडी करा था नेल्सन ने और ईस्ट ने इन कर्नल कलर ऑफ वीट, कहने का मतलब गेहूं का बाहरी रंग, गेहूं देखे हो ना, वीट, उसका बाहरी रंग कैसा होता है, भूरा ऐसा होता है, हाँ, गोल्डन होता है, येलो होता है, लाइट येलो होता है, डीप गोल्डन होता है, डीप येलो होता है कि नहीं, देखे हो ना, हाँ। तो सब अलग अलग शेड्स का कलर होता है, वो अलग अलग शेड्स का कलर क्यों होता है आज बताएंगे, है ना। हाँ, तो नेल्सन ने पॉट कलर ऑफ कर्नल कलर ऑफ वीट पे काम करा था,
और ईस्ट नामक साइंटिस्ट, ईस्ट EAST, ईस्ट नामक साइंटिस्ट ने काम करा था कोरोला लेंथ ऑफ टोबैको, टोबैको का जो कोरोला होता है, कोरोला आप बताएंगे क्या होता है? कोरोला जो फूल का जो बाहर पेटल्स, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ पेटल्स, हाँ. सो पॉलीजेनिक इंटरेक्शन वाज स्टार्टेड बाय, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन वाज स्टडीड बाय, स्टडीड बाय निल्सन, NILSON, इन कर्नल कलर ऑफ व्हीट एंड ईस्ट, आदमी का नाम है ईस्ट, ओके, ईस्ट स्टडीड द पॉलीजेनिक इंट्रैक्शन इन इंटरक्शन इन कोरोला, CORO, अरे यार डबल लिख दिया मैंने, CORO डबल, कोरोला लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ टोबैको, है ना. सो यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाएंगे आपको पॉलीजेनिक इंटरेक्शन इन, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन इन इन व्हीट, ठीक है. व्हीट का एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे. ईस्ट का स्पेलिंग क्या लिखते हैं? EAST, ईस्ट, पूरा 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 पश्चिम उत्तर दक्षिण, EAST, अच्छा डबल ही हो गया. पॉलीजेनिक इंटरेक्शन कहने का मतलब होता है बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करना, बस ये है ना मोटा मोटी. और प्लियोट्रॉपी क्या था? प्लियोट्रॉपी मतलब एक ही बहुत सारा, एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता होगा, ट्रेड को कंट्रोल करेगा, ट्रेड को कंट्रोल कर, हाँ ट्रेड भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है, है ना, कैरेक्टर भी हो सकता है. तो ट्रेट और कैरेक्टर में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ है, एकदम है, ठीक ना. जैसे कि मैं बोलूंगा हाइट, ये मैं बता चुका हूँ पहला वीडियो में देखेंगे, हाइट, हाइट इज अ कैरेक्टर. नाउ स्मॉल हाइट, इंटरमीडिएट हाइट, लॉन्ग हाइट, दिस थ्री आर द ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर हाइट, समझे. फ्लावर कलर, फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर. अब वो कलर कैसा हो सकता है? रेड ब्लू ग्रीन येलो, रेड ब्लू ग्रीन येलो इज अ ट्रेट व्हाइल द कलर इज द कैरेक्टर ना. यदि मैं बोलूंगा फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन कैरेक्टर हो गया. अब फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, ये दोनों उसका ट्रेट हो जाएगा. सीड शेप इज अ कैरेक्टर, राउंड सीड, राउंडेड सीड एक ट्रेट हो गया, रिंकल सीड दूसरा ट्रेट हो गया. इस तरीके से मैं बोलूंगा स्किन कलर, ह्यूमन का स्किन कलर, ये एक कैरेक्टर हो गया. अब स्किन कलर निग्रो हो सकता है, वाइट हो सकता है, मुलाटो हो सकता है, वेरी डार्क हो सकता है, वेरी फेयर हो सकता है, ये सब ट्रेट हो जाएंगे. अब आइडिया पता चला ट्रेट क्या होता है ना? डिफरेंट शेड, हाँ डिफरेंट शेड्स ऑफ अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट. डिफरेंट शेड, मैं बात करूंगा गेहूं का रंग, वीट का रंग, ये कैरेक्टर हो गया ना. तो गेहूं का रंग तो बहुत सारा हो सकता है, लाइट येलो, डीप येलो, गोल्डन, ना, ये सब ट्रेट हो जाएगा. सो आई एम टेकिंग, देखते हैं गेहूं का वीट, सॉरी गेहूं का जो कैरेक्टर है कलर का, आउटर लेयर का, उसमें कितने सारे ट्रेट्स दिख रहे हैं, है ना. So, it can be studied by with the help of dihybrid cross. It is studied by dihybrid cross. Dihybrid cross से हम इसको study करेंगे. ठीक है. I am taking two gene, A gene and B gene. है ना, dihybrid cross लिया हूँ. ये एक बीज होगा, इससे पौधा उगेगा, इस पौधे का ट्रेट कैसा होना है,
ठीक ना, एक्स्ट्रा रेड रहेगा। इस पौधे का जो बीज निकलेगा और उस बीज का जो रंग होगा दैट इज एक्स्ट्रा रेड, एक्स्ट्रा रेड, और इसका रंग होगा व्हाइट। ठीक है, जो गेहूं में इस तरीके का एलील, यहाँ पे इस तरीके का एलील रहेगा, यहाँ पे इस तरीके का एलील रहेगा, वो उसका बीज व्हाइट होना है, सफेद होना है। चलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं आपके गैमेट्स। ठीक है, ये हो गए गैमेट्स, दिस आर गैमेट्स, क्रॉस कर रहे हैं हम। आफ्टर क्रॉसिंग आई गॉट दिस, हमारे पास जो F1 जनरेशन आया वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, है ना। इसका कैरेक्टर किस तरीके से रहेगा, इंटरमीडिएट रेड। ठीक है, ऑल आर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रेड, सारे के सारे इंटरमीडिएट रेड। नाउ अब हम क्या करेंगे चंदन, अब क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, हमको F2 जनरेशन चाहिए। ठीक ना, ये F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में आते हैं। सेल्फिंग करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस, हाँ सिमिलर गैमेट्स जो रहेगा क्रॉस आएंगे। ओके, ये एक पेरेंट मानेंगे, दिस इज अनदर पेरेंट, इसका पॉसिबल गैमेट बताओ जी, इसका पॉसिबल गैमेट क्या क्या होगा, ए बी, हाँ स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए। ठीक है, हाँ आशुतोष सही है, देखो जरा आशुतोष, आशुतोष नहीं है क्या, देखो तो नहीं है, नहीं है, क्या हो गया इसको, आशुतोष यार वाईफाई लगवा रखा है घर में, उसके बावजूद भी चला गया नेटवर्क। ठीक है, देखते यूट्यूब पे वीडियो डालना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही चीज हमें करना है, है ना। चलो देखते हैं किस प्रकार का प्रोजीनी आना है F2 जनरेशन में। कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है। ये देखो हाँ इस तरीके का, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इसका हम लोग फिनोटिपिक कैरेक्टर निकालना है, सिंस वी आर डूइंग क्वांटिटेटिव ट्रेट आल्सो, हम लोग क्या कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक ना। इसमें मोटा मोटी यही समझेंगे, मोर द डोमिनेंट एलील मोर डीपर इज द एक्सप्रेशन, मोर डीपर इज द एक्सप्रेशन, ठीक ना। चलिए ये वाला किस तरीके का बीज बनाएगा, ये वाला पैरेंट की तरह बनाएगा, दिस इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डीप सॉरी एक्स्ट्रा रेड बोलेंगे इसको, एक्स्ट्रा रेड होगा ये,
एक्स्ट्रा रेड होना है। इसके बाद आएगा डीप रेड, मींस यहाँ पे ऑल टुगेदर कितना डोमिनेंट एलील था, चार ना। अब देखते हैं यहाँ पे कितने डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे दो डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे तीन डोमिनेंट, दो डोमिनेंट, दो, एक, है ना। ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए, दो दो एक दो एक एक जीरो, है ना। सो टेल मी इसका एक्सप्रेशन कैसा हो? मैं हिंट दे दे रहा हूँ, सबसे क्या बोलेंगे 100% जो डोमिनेंट रहेगा उसका एक्सप्रेशन होना है एक्स्ट्रा रेड, है ना। जब एक उसमें रिसेसिव एलील आ जाएगा तो उसका एक्सप्रेशन होना है डीप रेड, है ना। ओके इंटरमीडिएट में आएगा, नेक्स्ट क्या होगा, इंटरमीडिएट 3:3 में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आएगा इंटरमीडिएट रेड के बाद आना है लाइट, लाइट रेड एंड देन व्हाइट, है ना। इतने सारे ट्रेड्स दिखेंगे। चलिए सबका नंबर देख लेते हैं। एक्स्ट्रा रेड कितना है जी? एक, चार डोमिनेंट वाला एक ही होगा ना। वन आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ हाउ मच 16 ना, 16, ठीक है। तीन एलील वाला कितना है, तीन डोमिनेंट एलील वाला कितने? एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, चार ना, यस, फोर आउट ऑफ 16। इंटरमीडिएट मतलब तीन वाले ना, दो वाले, सॉरी दो वाले, दो कितने हो जाए देखते हैं, एक, चार, पांच, दो, तीन, छः, चार, पांच, छः, छः ना, दिस इज हाउ मच, 6 आउट ऑफ 16। लाइट रेड कितने हो जाएंगे? लाइट रेड दो, एक, दो, तीन, चार, ये ना, चार हो जाएंगे, 4 आउट ऑफ 16। और व्हाइट कितने हो जाएंगे? एक, 1 आउट ऑफ 16। ये पैरेंट टाइप हो जाएगा, F1 का पैरेंट टाइप, ये भी F1 का पैरेंट टाइप ना, पैरेंट टाइप। सर मतलब जितना डोमिनेंट होगा उतना तरह का, हाँ उतना डीप एक्सप्रेशन होना, उतना गहरा एक्सप्रेशन हो गया ना सर, हाँ उतना गहरा एक्सप्रेशन होना है। इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक ना। वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड के लिए किया जाता है, जो हम बताए थे आप लोगों को, वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक ना। फॉर्मूला टू फाइंड आउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ पॉलीजेनिक इंटरैक्शन और इनहेरिटेंस, इंटरैक्शन और इनहेरिटेंस, इंटरैक्शन और इनहेरिटेंस, जो भी बोलो, ठीक ना। फिनोटाइप के लिए हम बताते हैं, फिनोटाइप इज इक्वल टू 2n+1, क्या हुआ 2n+1, n इज द टाइप ऑफ हाइब्रिड, n इज द टाइप ऑफ हाइब्रिड। सो यहाँ पे हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड ले रखे ना हम लोग, तो हाइब्रिड का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, है ना। ओके सो नाउ सो फिनोटाइप नंबर ऑफ फिनोटाइप इज इक्वल टू 2 × 2+1, कितना हो गया 5 प्रकार के फिनोटाइप होंगे। तो 5 प्रकार के फिनोटाइप है देखो, तो है ना 5 प्रकार का फिनोटाइप, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इस तरीके से निकालेंगे। नाउ ये हो गया फिनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइप नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला। जीनोटाइप
number of genotype is called to number of genotype is equal to 3 to the power n लिख सकते हैं थ्री टू द पावर n वेयर n इज टाइप ऑफ क्या हो जाएगा टाइप ऑफ हाइब्रिड तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाना है 2 है ना सो नंबर ऑफ जीनोटाइप स्क्वायर दैट इज 9 आप कैलकुलेट कर सकते हो 9 प्रकार के यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखेंगे ठीक है सेंटर पे जो एंगल बनता है स्पॉट से कैसे बनता है तो 9 प्रकार के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि ये एक हो गया है ना तो अगर तुम्हारा जो स्पॉट का रेट इक्वल है तो रेडियस क्या हो जाएगी ये एक हो जाएगा ये देखो और बाकी देखो ए ए बी देखोगे मिलाओगे तो ये इतना ही आना है इतना 9 ही आना है अब मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा कैलकुलेट नहीं करूंगा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं ये हो गया आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑफ पॉलीजेनिक इंटरैक्शन चलिए अब एक और एग्जांपल बताते हैं हम स्किन कलर पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन इन जीन इंटरैक्शन या इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इन ह्यूमन ठीक है एक एग्जांपल हम ह्यूमन से दे रहे हैं ठीक है इसको स्टडी करा गया था डाविनपोर्ट डाविनपोर्ट एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने स्टडी करा था ह्यूमन के अंदर पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन है ना He worked on inheritance pattern of human skin color ठीक है मनुष्य के स्किन के कलर पे इन्होंने काम करा ना और एक पैटर्न ड्रॉ करी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ह्यूमन स्किन कलर जो है मेलानिन पिगमेंट है मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है ठीक है 3 जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग स्किन कलर ठीक है स्किन कलर इम्पार्ट करने के लिए 3 जीन अवेलेबल है रिस्पॉन्सिबल है ये भी क्वांटिटेटिव इंटरैक्शन ही है इनहेरिटेंस है जो ही बोलना चाहो वो तीनों जीन हो जाएंगे ए बी एंड सी ये तीनों जीन है ना सो डाविनपोर्ट ने क्या करा पूरा पॉसिबल ह्यूमन स्किन कलर फाइंड आउट करा ही वर्कड ऑन दिस वैल्यू और दिस डाटा और उन्होंने कंक्लूड करा कि ह्यूमन में लगभग कितना बोलेंगे 3 5 3 दिस इज 2n+1 सो 6+1 7 ना 7 प्रकार के अलग अलग रंग होते हैं ह्यूमन बीइंग 7 अलग अलग प्रकार के ट्रेट होते हैं ह्यूमन स्किन ठीक है वो कैसे होते हैं हाँ अभी बता रहे हैं आपको और इसमें जो ABC माने वो कहाँ से लिए हैं कहीं से भी ये जीन है ये जीन लोकेशन हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 पे हो सकता है 2 पे हो सकता है 3 पे हो सकता है या फिर क्रोमोसोम नंबर 1 पे तीनों हो सकते हैं एनीवेयर इट कैन बी
एक से लेके हाँ ऑटोसोम पे ही है ये, ऑटोसोम पे एक से लेके 23वां क्रोमोसोम पे कहीं पे भी है। किसी बुक में जिक्र नहीं करा गया है कि कौन सा जीन कौन सा क्रोमोसोम पे स्किन पिगमेंटेशन कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट है। आप इफ यू विल स्क्रॉल इन एनसीबीआई एक वेबसाइट है, उस पे आप ढूंढोगे कि कौन सा जीन पे हमारा स्किन कलर इंपार्ट करने वाला जीन प्रेजेंट है, आप वहां से डाटा फेच कर सकते हो, ले सकते हो। सर इसमें तो अज्यूम किया कि एबीसी है। मैं तो बस मान लिया कि एबीसी होता है। हाँ हाँ ये हाइपोथेटिकली हम एबीसी मान रखे हैं, लेकिन ओरिजिनल कुछ तो जीन होगा, वो जीन 3 नंबर में होगा, है ना? वो जीन 3 है और वो जीन 3 है, वो जीन को हम एबीसी नाम दे दिए, या फिर क ख ग अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते हो आप, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना? 3 अलग अलग जीन है, यदि म्यूटेशन एक में भी हो जाए तो वेरिएशन कर जाएगा, ठीक ना? एक्सप्रेशन में वेरिएशन हो सकता है। सो ही टुक, ठीक है, तो उन्होंने एक हाइब्रिड या फिर एक हाइपोथेटिकल डाटा ड्राइव करने की कोशिश करी। ह्यूमन बीइंग में क्रॉसिंग करना पॉसिबल नहीं है, वो भी इतना बल्क लेवल में। सो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल डाटा तैयार करा, ठीक है। ही टुक निग्रो ब्लैक, negro black man crossed with white parent, very light parent, ठीक है। इसमें एक मेल समझ सकते हैं, एक को फीमेल। दिस इज पेरेंट वन, पेरेंट टू, है ना? इसका पॉसिबल गैमेट क्या होगा? इसके गैमेट हो जाएंगे ए बी सी, इसके गैमेट हो जाएंगे स्मॉल ए बी सी, है ना? जब हमने हाइब्रिड करा, प्रोजेनी क्रिएट करा, तो प्रोजेनी आया इस तरीके से, इट वाज इन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में आया, एशिया पीपल की तरह, जो हम लोग का कलर है, ठीक ना? इसको कहते हैं मुलाटो। इस कलर को हम लोग कहते हैं मुलाटोस, मुलाटो कहते हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट कलर आएगा जो एशियन पीपल का है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन निकालेंगे। ये तो हमारा F1 जनरेशन था, सेल्फिंग करा गया। सेल्फिंग मींस ही टुक टू पेरेंट हैविंग सेम एलिलिक कॉम्बिनेशन, A B B C N C, A B B C N C। ना यहाँ से पॉसिबल गैमेट निकालना है, बना सकते हैं पॉसिबल गैमेट? करके दिखाओ जरा, कम ऑन, शो मी द पॉसिबल गैमेट्स। इसमें गैमेट कितने बनेंगे जी? गैमेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ गैमेट्स Gamete is equal to 2 to the power n, na? Where n is number of heterozygous, number of heterozygous pair. So heterozygous pair kitna hai yahan pe? 3 hai na? So 2 to the power 3 is equal to how much? 2 to 4, 8. Bana ke dikhao jara 8 gamete. Chalo hum thoda sa so lete hain. Jaldi banao. Bana ke dikhao. फोटो खींच के भेजो टेलीग्राम पे, पूरा बनाना है जो बॉक्स? नहीं नहीं नहीं, बॉक्स नहीं, सिर्फ गैमेट, पॉसिबल गैमेट हमें बनाना है। ओके, उसके बाद हम बताएंगे किस तरीके से होता है। करके देखो एक बार, नहीं तो हम जो हैंगे ना। दिमाग
जितना क्वेश्चन कराएंगे सर्कल में तुम लोग को उतना ही क्वेश्चन बनाना है, उससे ज्यादा चंदन सर कहाँ गए? सोने चल गए बोले तो थे। अरे यार लीव भी कर दिए, हम होस्ट बन गए। ठीक है तुम ही बताओ कुछ बना। हाँ बना तो। तो कितना 8 हुआ हमको समझ में, कितना मतलब क्या पेरेंट वाला भी होगा, कैपिटल ए मतलब वाला भी होगा क्या? ए बी सी तीनों को साथ में रखना होगा ना। कैसे है वो समझ में नहीं आया। अच्छा देखा टेलीग्राम पे। हाँ अच्छा भेजो। टेलीग्राम पे देखा क्या चीज समोगना घोष का बोला? नहीं देखते हैं। अच्छा उसको तो जानते हैं। जानता है कैसे? अच्छा तो पर्सनली नहीं जानते हैं, तो उसे देखे हैं पहले भी। जानते हैं पर्सनली कौन जानेगा। भेजा क्या? भेज रहे हैं।
देखो जाने भेजो। ओके हेलो हेलो, हाँ सुन पा रहे हो? ओके ठीक, नेटवर्क चला गया था यार, सो लिए नहीं यार, उसी समय से नेटवर्क ठीक कर रहे हैं। ठीक है, आया तुम लोग का रिजल्ट? आया? हाँ सर आया तो। कितना क्या क्या बना? Tell me the possible gamut. भेजते हैं एक सेकंड। मुस्कान तुम ही भेजोगे जी? ठीक है, सो हम एक तरीका बताते हैं किस तरीके से आप पॉसिबल गैमेट निकालोगे। गैमेट को आप इस तरीके से लिखोगे, दो गैमेट है ना, पहला इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर आप इस तरीके से एरो बनाइए, एक इस तरीके से एरो बनाइए है ना, इन एरो के एंड पे दूसरे एलएल को रखिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर एक एरो निकालिए यहाँ से, फिर यहाँ से भी एरो निकालिए दो, यहाँ से भी दो एरो निकालिए, यहाँ से भी दो एरो निकालिए है ना। अब रखेंगे आप तीसरा एलएल, तीसरा एलएल रखिए, तीसरा एलएल सी 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 सी। अब क्या करेंगे, अब आप एक हाइपोथेटिकल लाइन इस तरीके से बनाने की कोशिश करें, इस तरीके से देख पा रहे हो, ये आप कंसिडर करेंगे, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आना है, कैपिटल ए, इसमें आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब आप इसको लोगे, इसको लोगे है ना, पहले आपने कंसिडर किया इसको, इसको आप कंसिडर करेंगे इसको, अब आएगा क्या, ए बी सी, ओके ओके ओके, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, स्मॉल सी होगा ना ये तो। स्मॉल सी और एक कैपिटल सी है ना, दिस इज सी 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 सी, हो गया ना, जब आप इस तरीके से लिए थे, आप क्या करेंगे, आप कंसिडर करेंगे इसको, ए बी और सी, इन तीनों को लेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा ए बी कैपिटल सी, स्मॉल बी है ना, ए बी और यहाँ पे दे रखा है ना, स्मॉल बी। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आप कंसिडर करेंगे इसको, ए बी और इसको, क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इस तरीके से चार बन गया गैमेट। यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ए बी और सी ना, इस तरीके से ए बी और सी, तो बनेगा आपका स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब इसको स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, अब इसको स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, अब इसको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, है ना। तो कितने गैमेट बन गया देखो, तो ऑल टुगेदर इतने सारे गैमेट्स बन गए। अब इतने सारे गैमेट का यूज करके आपको पॉसिबल प्रोजेनीज बनानी है, इतने सारे गैमेट यूज करके आपको पॉसिबल प्रोजेनी बनानी है, तो क्या करोगे, यूनिट स्क्वायर बनाओगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार है ना, एक दो तीन चार, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अरे यार ये तो आठ बन जाएगा ना, हमें आठ चाहिए ना, आठ के लिए जगह ही नहीं हो पाएगा।
छोटा करते हैं इसको। बना के दिखाओ तो, यदि तुम लोग कॉपी पे बना रहे हो तो ए बी सी ए बी स्मॉल सी ए बी स्मॉल सी नेक्स्ट ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सर इतना लिखेंगे तो सर 8 बज जाएगा ना, करके देखो जरा अपने। सर 64 आएगा ना इसका तो? हाँ 64 आएगा। हमें ट्रिक बताएंगे इसको, इसके लिए ना, इसके लिए हमें ट्रिक बताएंगे है ना, इस तरीके से सेम चीज आप इधर भी लिखोगे ए बी सी ए बी सी। ओके सो इस तरीके से ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा इस तरीके से। एक दो तीसरा करेंगे ए बी सी, चौथा क्या हो जाएगा ए बी सी, पांचवा है स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी, और ये सी कौन सा है, कैपिटल है कि स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल है देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक और कहाँ गया, गड़बड़ है। एक फ्रेम पे नहीं आ रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है मोटा मोटी आपको हम बता रहे थे ए बी सी ए बी सी, यहाँ पे ऑल टुगेदर डोमिनेंट एलील कितने हैं, 6 है ना, यहाँ पे डोमिनेंट एलील कितने हैं, 6 है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील कितने हो जाएंगे, यहाँ से दो यहाँ से दो यहाँ से तीन और यहाँ से दो, 5 हो जाएंगे, यहाँ पे कितना होगा 3 × 5 हो जाएगा, यहाँ पे डोमिनेंट एलील कितना हो जाएगा 5, इस तरीके से आप भरते जाओगे। करके दिखाओ जरा, करके दिखाओ जरा, सब में अल्फाबेट ही भरो आप सिंपली, जैसे कि मैं इसकी जिक्र करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने डोमिनेंट एलील्स आएंगे, 3 × 1 = 4, इसमें 4 डोमिनेंट एलील आ जाएगा। यदि मैं इसकी जिक्र करूँ इसमें डोमिनेंट एलील कितना आएगा, 2 ही आएगा। वर्कआउट विथ ऑल दिस ऑल दोस ऑफ 64, ठीक है, तो पूरे 64 में करके देखो तो जरा इसमें कितने डोमिनेंट एलील आ रहे हैं है ना, आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा डोमिनेंट नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, 6 डोमिनेंट एलील कितना, 1 टाइम्स, ठीक ना, 5 डोमिनेंट एलील कितने बार, 5 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 4 कितने आ रहे हैं है ना, 3 कितने आ रहे हैं, 3 डोमिनेंट एलील कितने आ रहे हैं, फिर 2 डोमिनेंट एलील कितने आ रहे हैं, फिर 1 डोमिनेंट एलील कितने बार आ रहा है, और 0 डोमिनेंट एलील कितने बार आ रहा है। ठीक है इतना बताओ तो जरा, ये बताओ आप लोग अपने कॉपी में करो और बताओ जल्दी से, टेक योर टाइम एंड टेल मी। ये 1 आया आउट ऑफ 64, ये कितना आएगा आउट ऑफ 64, ये कितना आएगा आउट ऑफ 64, ये कितना है 64, ये कितना है आउट ऑफ 64, ये कितना है, चलो डोमिनेंट डोमिनेंट 0 डोमिनेंट एलील में बता दे रहा हूँ, 1 आएगा आउट ऑफ 64, 0 डोमिनेंट एलील मतलब सारे के सारे रिसेसिव होंगे। चलो ये दोनों हम आपके लिए कर दिए,
पहला और आखिरी हम आप लोग क्लिक कर दिए, बीच वाला आप लोग करके दिखाओ जल्दी से, तैयार रखो और वैल्यू बताते जाओ, ये किसने भेजा, ये कौन बता दिया तुम लोग को? अच्छा, सर बहुत आसान काम दिया, करो करो करो, सब क्लास में होते तो अच्छा खासा करते हम लोग, बोर्ड पूरा भर जाता है इससे। फाइंड आउट 6 डोमिनेंट एलील कितने बार आ रहा है, और उसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप आ रहे हैं। ये तो बता ही सकते हो कितने प्रकार के फिनोटाइप है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, फॉर्मूला से भी प्रूफ हो रहा है कि नहीं। सो 2 × 3 + 1 3 × 6 = 7 सही है अपना, करो जरा जल्दी। और यहाँ से आता है एम्स में क्वेश्चन आता है, जिपमर में क्वेश्चन आता है, हो रहा है जी। मुस्कान, मुस्कान नंदिनी, मुस्कान कर रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ करो करो जल्दी करो जल्दी करो। चंदन, सुधांशु जल्दी। यस सर। रख दीजिए, हाँ हाँ रख, बना चल बन रहा है एक सेकंड।
सेंटर से अगर कोई लाइन क्रॉस करे तो सेंटर से तो बहुत सारा लाइन क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक परपेंडिकुलर जब भी ऐसा कोशिश करना है ना तो हमेशा कोशिश करना है सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें कॉर्ड पे। अगर तुम्हारा लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे तो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाईसेक्ट कर देगा। दोनों कॉर्ड इक्वल है, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, दोनों कॉर्ड इक्वल है, AB इक्वल टू CD है, परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करोगे तो उसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा, होगा, बदल दे दो इसको, ठीक है, कर लेगा सब कुछ, बना या नहीं बना, कैसे बनाया बताओ, क्या तुम बताओ। चलिए हो गया, अब गिन रहे LB, गिनो कर ले गया यार, ये इक्वल टू यहां पे डीएम आ जाएगा, तो आप अच्छे से अपना कॉपी कर, ठीक है, ला लोगे आया हाँ सर, हो गया। बताओ पांच डोमिनेंट एलील कितना, छे सिक्स टाइम्स। चंदन तुम्हारा है जी, ओके, चार डोमिनेंट एलील 15, वेरी गुड, कहाँ से ढूंढा जी,
सर बनाया सर फोटो भेजे बनाया हो हाँ सही हाँ तीन दाव ने डेली 20 वेरी गुड ठीक है हाँ सर आया इस तरीके से हाँ सर आया ओके ठीक है यदि हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करना चाहे तो ग्राफ पे इसको प्लॉट करना चाहे तो किस तरीके से बनेगा बार ग्राफ पे इसको रखेंगे तो x-axis और y-axis पे है ना इस तरीके से रखते हैं यदि नंबर ऑफ इस तरफ रखते हैं हम लोग नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील ना नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील रखते हैं उस तरफ और इस तरफ रखते हैं हम लोग हाँ कितना करें हमको और तो बटल लेना 64 ना आठ टाइम जो सर तो यार लंबा चौड़ा हो जाएगा ये कुछ डोमिनेंट एलील पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस इस तरीके से करते हैं हम लोग है ना हाँ, इस तरफ करते हैं हम लोग नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन यदि हम लेते हैं छः सिक्स टाइम्स रेपिटेशन लेते हैं हम लोग तो इसका कितना डोमिनेंट एलील है एक इसका डोमिनेंट एलील हो गया एक है ना दूसरा लेते हैं हम लोग फाइव टाइम्स रेपिटेशन फाइव गुना जो रिपीट कर रहा है तो फाइव गुना जो रिपीट कर रहा था वो कितने बार आया छह बार आया मतलब यहाँ पे इस तरीके से दूसरा क्या है फोर डोमिनेंट वाला कितना है 16 बार की 15 बार मतलब यहाँ इस तरीके से देन 3 times वाला कितना है 20 बार मतलब ये दो इक्वल कॉर्ड दे रखा है ठीक है फिर दो बार वाला कितना आया 15 बार फिर एक बार ना और जीरो टाइम इतना है ना ठीक है तो यहाँ पे हम
हाइपोथेटिकली कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ग्राफ को, तो ये किस शेप में आ रहा है, बेल शेप आता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का इनहेरिटेंस का ग्राफ बेल शेप आता है, है ना। चलिए इसको हम और अच्छे से दिखा देते हैं। अच्छा फिगर हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए जरा स्किन कलर का पैरेंट वाला दिख गया, एबीसी दिख गया, गैमेट्स पॉसिबल गैमेट दिख गया। इसके बाद हम F2 जनरेशन करते हैं, F2 जनरेशन आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है डायग्राम दिखा रहे हैं अभी, ये वाला लाते हैं। ये देखो और एक और फिगर हम रखते हैं यहाँ पे। इस तरीके से देखेंगे, ये रहा आपका पेरेंट जनरेशन, ये हमने निकाला, ये हमने किया, इस तरीके का हाइब्रिड आया, दोनों को क्रॉसिंग करा, ये पॉसिबल गैमेट्स हुए। ये देखेंगे यहाँ पे पॉसिबल F2 प्रोजेनी है, दीज आर पॉसिबल F2 प्रोजेनी। 5-6 कितना बार आया, एक बार आया, 5 कितना बार आया, ये देखो 6 बार आया होगा, 1, 2, 3 4, 5 6 बार आया है। इस तरीके से कैलकुलेट करोगे इसे पता चल जाएगा। Finally, इसको लेके यदि हम एक हाइपोथेटिकल ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जो ग्राफ आएगा ये बेल शेप में आएगा। So, क्वेश्चन आता है कौन सा इनहेरिटेंस का बेल शेप ग्राफ आता है। सो इट इज स्किन पिगमेंटेशन ऑफ ह्यूमन। ओके चलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो 100% डोमिनेंट आया मतलब ये नेग्रो ब्लैक होगा, नेग्रो ब्लैक होना है, दिस इज व्हाइट, ये हो जाएगा वेरी डार्क, ये होगा वेरी फेयर, इस तरीके से ये हो जाएगा फेयर, ये हो जाएगा डार्क, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट। सो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेरी डार्क का रेशियो क्या है, इंटरमीडिएट का रेशियो क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। ये नीट में ही पूछेगा, एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, सीबीएसई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड नहीं है। तो हमने करा पॉलीजेनिक इंटरेक्शन करा, जिसमें हमने स्टडी करा कि जितना ज्यादा क्वांटिटी, जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील उतना ज्यादा कैरेक्टर डीपर होना है, तो ये हमने स्टडी करने की कोशिश करी और हमारे पास ये रिजल्ट आया, बेल शेप का ग्राफ आ रहा है हमारे पास। ठीक है इसमें हम नेमिंग करना चाहे तो दिस इज हाउ मच, 1/64, 6/64, 15/64 डाटा लिखते हैं, 20/64, 15/64, 6/64, 1/64। यदि मैं बोलूंगा कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालो तो जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये, और फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2n+1। ठीक है इस तरीके से।
ये यहीं पे खत्म होता है. अगला टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. फिर यहाँ N3 होगा ना, कौन सा यहाँ पे? हाँ N3 हो जाएगा. 2 × 3 + 1 = 7. 7 फिनोटाइप है देखो तो, एक दो तीन चार पाँच छ सात हो गए ना, सात है ना, सात हो गए. तो ये रहा आपका सात, ये सात रहा. ओके ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस INHERITANCE तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए मियोसिस के बारे में. सो मियोसिस पढ़ के आएंगे अगले क्लास में आप लोग. ब्रीफ बता देते हैं क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, वी नो दैट मेंडल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना. मेंडल जो काम करे थे उन्होंने कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दिया. उन्होंने कहा था कि कोई एक ऐसा चीज है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, लेकिन वो चीज है क्या फिजिकली? वो चीज केमिकल है, किस प्रकार का केमिकल है, या कोई बैक्टीरिया है, ब्लड है, क्या है एक्चुअली जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है? और ऑफस्प्रिंग भी पेरेंट की तरह ही दिखता है, माता पिता की तरह ही दिखता है, क्या है वो चीज? मेंडल ने उस चीज को फैक्टर कहा था, लेकिन फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है इसका एविडेंस वो नहीं दे पाए, है ना. इसलिए उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. वो लगभग 7 साल तक काम करते रहे ना इस पे, 7 साल तक काम करते रहे, राइट फ्रॉम 1856 टू 1863 तक, है ना. बाद में वो 1884 में मर गए. उनके साथ साथ उनका काम भी दब गया. लेकिन लेट 1800 कहने का मतलब 1899-95 के आसपास 3 साइंटिस्ट लोग इंडिपेंडेंटली जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, और उनका फाइंडिंग भी लगभग मेंडल्स की फाइंडिंग की तरह ही आया, है ना. वो अपना काम पब्लिश करने ही वाले थे कि वो मेंडल्स के काम के बारे में जान गए. मेंडल्स का पेपर कहीं पे छपा हुआ था, उन्होंने पढ़ लिया, है ना. तो क्या करा उन्होंने, अपना नाम देने के बजाय उन्होंने मेंडल्स के नाम पे इस काम को और उजागर करना चाहा. तीन साइंटिस्ट थे जैसे कि जर्मन के थे, है ना, दैट वाज कार्ल स्कोरिंग्स, शेकमेक, है ना, ये सब साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स के काम को रीडिस्कवर करा, रीपब्लिश करा फ्लोरा नामक जर्नल में, है ना. और मोटा मोटी उन्होंने कहा कि मेंडल जो आज से 50 साल पहले कह के गए थे वो सही था, है ना. तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे न्यूक्लियस की अच्छी से स्टडी होती है, क्रोमोसोम की स्टडी होती है, मियोसिस की स्टडी होती है. लोग धीरे धीरे प्रूफ करने लगते हैं कि हाँ मेंडल्स ने जो कहा था वो चीज सही मायने में होता है, और ये पूरा चीज मियोसिस के दौरान होता है. मियोसिस के दौरान दो एलील्स सेपरेट हो जाते हैं. मेंडल्स ने कहा था ना लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, गैमेट कभी भी जो गैमेट्स बनते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो कभी मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते, प्योर रहते हैं. जैसे मैंने बताया था कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल के कोई इंटरमीडिएट टी नहीं बनाएगा. तो ठीक है, ये चीज होता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है, मियोसिस के दौरान ऐसा होता है. इससे ये प्रूव हुआ, है ना. मेंडल्स ने ये भी कहा कि जो कैरेक्टर लॉस्ट हो जाते रहे थे F1 जनरेशन में, वो F2 जनरेशन में रीगेन हो जाते, है ना. ये सब भी प्रूव हुआ. उसके बाद सटन एंड बॉबरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बकायदे दिया
उसके बाद सटन एंड बॉबरी के जो एक्सपेरिमेंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको जेनेटिकली प्रूव करा था हंट मॉर्गन ने, मॉर्गन साइंटिस्ट ने इसको जेनेटिकली प्रूव करा विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के मदद से इन्होंने सॉल्व करा, बताया कि हाँ मेंडल जो कह गए वो सही था। जब ये ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे ना, तो कुछ इनको उटपटांग सा रिजल्ट भी आया, कुछ अजीब अजीब रिजल्ट आया। तो अजीब अजीब रिजल्ट आया तो उसके बेसिस पे इन्होंने एक दूसरा थ्योरी भी दे दिया, ठीक है, दूसरा थ्योरी, और उस चीज को प्रूफ भी करा। वो चीज था लिंकेज, ठीक है, लिंकेज पे काम कर रहे थे, लिंकेज पे काम करा, वो काम करे, उनके कोवर्कर्स काम करे। उनके अंडर में एक स्टूडेंट था, 19 साल का एक स्टूडेंट था, ग्रेजुएट स्टूडेंट, स्टुअर्ट वेंट नाम था उसका। वो भी इनको मदद करा इस काम को करने में, और उनके स्टूडेंट ने भी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज फाइंड आउट करा। एंड उनका स्टूडेंट ने एक टर्म दिया जीन जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप चीज डिस्कवर करी उसने। ये सब जिक्र करेंगे क्या होता है लिंकेज, क्या होता है जेनेटिक मैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक है। मोटा मोटी अगले सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले सेक्शन में मेंडल्स का जो काम था ना उसका प्रूविंग देने वाले हैं कि हाँ भैया मेंडल जो कह गए थे वो सही था, उस समय नहीं जान पाए क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत वीक था, उनको कोई भाव नहीं दे रहा था, मैथ्स यूज करे थे वो। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट भी काम करना शुरू करे जेनेटिक्स पे, सिमिलर रिजल्ट आया, उसको और डीप में स्टडी करा गया, उसका प्रूफ भी देते गए सब लोग, है ना। फाइनली इन चीज को प्रूफ करने के दौरान नए नए चीजें भी डिस्कवर होती गई, इन्वेंट होती गई, जिसमें लिंकेज एक काम आ गया, जेनेटिक मैप आ गया, क्रॉसिंग ओवर आ गया। तो ये सब हम बताएंगे अगले क्लास में, है ना। चलिए आज के क्लास से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछे। ये तो रटने वाला चैप्टर लगता है, ये अभी फिलहाल यहाँ तक तो रटने ही वाला, अभी तक तो क्या है रटने वाला ही है, समझ के रटने वाला। रटते हैं ठीक है, लेकिन लॉजिक होना चाहिए ना कि हाँ भाई हम क्यों रट रहे हैं, ना लॉजिक होना चाहिए कि हम क्यों रट रहे हैं। अब मैं बोलूंगा मेंडल्स का काम रिकॉग्नाइज्ड क्यों नहीं हुआ, है ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका काम बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, ठीक है। एक चीज मैं जिक्र करता हूँ, अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ है वो सभी लोगों को पता चल गया, ऑलमोस्ट चल गया कि नहीं चला ना, सबको पता चल गया। लेकिन एक विद्या भारती थी, अरे वो सात समुंदर पार वाली जो लड़की थी, दिव्या भारती, उसका डेथ बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा, उसका डेथ का न्यूज बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा था। क्यों, कैसे हुआ था डेथ, हाँ कैसे डेथ हुआ था पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, नहीं पहुंचा था। क्यों नहीं पहुंचा, ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी, नहीं। अच्छा ठीक है, आज मान के चलो शाहीन बाग में कुछ भी हो रहा है तो शाम को सारे यूथ को पता चल जाता है, है ना। लेकिन जब भगत सिंह आंदोलन करना चाह रहे थे, बात बताना चाह रहे थे, तो वो लिमिटेड एरिया में ही फैलता था। क्यों क्या बोलेंगे, उस समय उसको मानने वाला कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आज क्यों पता चल जाता है, कैसे पता चल जाता है कि वर्कर्स लोग आ रहे थे रेलवे के पटरी पे, सो गए बेचारे, कट के मर गए, पॉपुलर तो नहीं थे वो लोग ना, सोशल मीडिया जान रहा है कि नहीं, सब कोई जान रहा है। तो मीडिया, सोशल मीडिया, नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है आज के डेट में कि कोई भी चीज छुपता नहीं है, वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाता है। लेकिन पुराने जमाने में ये चीज नहीं था, तो नहीं था तो मेंडल्स का काम तो छपा, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एडिशन में छपा। मन चलो कलकत्ता में काम कर रहे हैं तो कलकत्ता के आसपास वाले लोग ही उनको जान पाए, मद्रास के लोग जान नहीं पाए, दिल्ली वाले लोग जान नहीं पाए ना, तो मानने वाला लोग भी कम होगा उनका। ये ही हुआ उनके साथ, मेंडल्स का जो काम था वो बहुत कम लोगों तक पहुंचा क्योंकि कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था।
उनका पब्लिकेशन भी नहीं था अभी के समय होते तब तो पूरा वर्ल्ड में फेमस हो जाते तो अब नहीं भी है फिर भी तो फेमस हो ही चुके हैं ना है ना तो सही मायने में उन्होंने काम करा था तभी हुआ नहीं तो नहीं होते ना तो उस समय नहीं हुए थे 1884 में नहीं हुए थे वो फेमस आज के डेट में फेमस हुए वो 1902 के बाद फेमस हुए क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करा था जो लोग सोच भी नहीं सकते थे 20 साल बाद 30 साल बाद पता चला कि अरे भैया वो तो मर गए लेकिन उनका काम अभी जिंदा है ना तो रटना तो पड़ेगा लेकिन समझ के रटना है अब मैं बोलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सुधांशु कि उनका काम क्यों नहीं रिकॉग्नाइज हुआ था yes, sir. हाँ अब मैं यहाँ पे रटने वाली बात बता रहा हूँ रटने वाली बात ये है कि कौन सा पब्लिकेशन में इनका काम छपा था तो पब्लिकेशन का नाम याद रखना पड़ेगा ठीक ना पब्लिकेशन का नाम था प्रोसीडिंग बर्न ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी ये जर्नल का नाम है उस जर्नल में इनका काम छपा था ये चीज याद रखना पड़ेगा याद रखो रटो है ना और उनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड इसलिए भी था क्योंकि उस समय दो साइंटिस्ट फेमसली काम कर रहे थे ठीक है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे चार्ल्स डार्विन डार्विन काम कर रहे थे ए आर वेलेस काम कर रहे थे तो ये जो कंपटीटर्स है ना ये इनके जो फेलो थे बहुत फेमस थे उस समय तो सब लोग इन्हीं का काम को फॉलो करते थे मेंडल्स को कोई भाव नहीं दे रहा था हाँ तीसरा चीज कि ये मैथ का इस्तेमाल किए थे अपने चीजों को रखने के लिए अपने तथ्यों को रखने के लिए आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स यूज करा स्टैटिस्टिकल डाटा यूज करा था जो बहुत जो सही लोगों के हाँ जो लोगों के पले ही नहीं पड़ रहे थे ये क्या बायोलॉजी है भैया जिसमें मैथ्स आ गया और मेंडल को रिजल्ट इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने डाटा को इंटरप्रेट करा और उस पर काम करा ठीक ना उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करा कि हाँ इतना नंबर ऑफ प्लांट हम उगाएंगे तो इतना नंबर में डोमिनेंट आएगा इतना नंबर में रिसेसिव आएगा इतना नंबर में इंटरमीडिएट आएगा और उन्होंने उतना नंबर पौधा लगाया सर वो भी जो डाटा जो था 9:3:1 3:3:1 तो वो भी तो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं था नहीं नहीं परफेक्ट नहीं है वो मतलब कि रेशियो निकाला गया है मान के लो 1000 प्लांट है ना तो 1000 प्लांट में कितना होने के लिए 9:3:3:1 रेशियो होना चाहिए अच्छा 1000/16 यानी कि 12.5 हां तो इसी के आसपास आया है ठीक ना इसी के आसपास आया अगले सेक्शन में बताएंगे हम लिंकेज में और लिंकेज में हम बताएंगे एक एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है ना एग्जैक्ट नहीं था लेकिन उन्होंने रेशियो निकाला है इस तरीके से और आसान तरीके से आसान भाषा में लिख के हम लोग को समझाया जाता है डीप में जाओगे अब उनका थ्योरी पढ़ोगे उनका जो जर्नल पब्लिश हुआ था ठीक है प्रोसीडिंग ऑफ ब्रॉन नेचुरल साइंस सोसाइटी में तो उसमें देखोगे कि वो कौन सा पौधा पर रिसर्च कर रहे थे कितने पौधे लगाए थे वो उसमें पूरा जिक्र किया गया है ना तो ये सब है जिसके चलते वो फेल हो गए लेकिन 1900 में तीन साइंटिस्ट अलग अलग देशों से काम करा और अपना नाम पे वो काम पब्लिश करने वाले थे लेकिन पता चला कि ये काम तो 20 साल पहले मेंडल करके चले गए तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आदर करने के लिए ऑनर कर देने के लिए उन्हीं के नाम पे फिर से ये काम को रिपब्लिश करा गया फिर से ठीक है 1902 में फ्लोरा नामक जर्नल के अंदर ठीक है उसके बाद फिर से एडवांसमेंट होने लगा साइंस में मियोसिस को अच्छे तरीके से जान गए हम लोग जब मियोसिस को अच्छे तरीके से जान गए तो सही मायने में हम लोग विश्वास करने लग गए कि जो मेंडल्स कहे थे किस तरीके से गैमेट्स बनता है किस तरीके से जीन मूव करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट फिर बाद में ये जो 50-50 गैमेट्स हो रखा है ये 100% जायगोट के फॉर्म में अपीयर होता है ये सब दूसरे साइंटिस्ट ने भी प्रूव करना शुरू कर दिया मियोसिस के मदद से फिर बाद में थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में भी रिसर्च करी और मोटा मोटी मेंडल्स को सही ठहराया है ना और जब ये काम कर रहे थे थॉमस हंट मॉर्गन काम कर रहे थे
तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करे, तो वो डिफिकल्टीज कुछ दूसरा ही चीज हम लोग को सिखा गया, वो सिखा गया हम लोग को लिंकेज, वो सिखा गया हम लोग कॉम्बिनेशन, जेनेटिक मैप की वहां पे इन्वेंशन हो गई, वो बताएंगे वो अगले क्लास में, ठीक है? अगले क्लास में हो सकता है वीडियो हम बना के दे, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाली चीज है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना जरूरी है ना? कहानी की तरह सुनोगे तो इंटरेस्टिंग है। ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक आता है, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, हमेशा पूछता है क्या है कुछ नहीं है इसमें मियोसिस, लेकिन मियोसिस क्यों पढ़ रहे हम लोग, जरूरी क्या है ये समझना ना थोड़ा ट्रिकी है ना, ये ट्रिकी है, ये चीज आप लोग को समझना है, यही चीज हमें आप लोग को समझना है कि क्यों क्यों कर रहे हैं हम, रटे भी तो हम क्यों रटे, है ना? ओके, सो मियोसिस थोड़ा देख के आएंगे, मियोसिस पढ़ के आएंगे आप लोग ना, टर्म्स नहीं पूछेंगे, बस आप इतना ही जानोगे कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, क्रॉसिंग ओवर सिनाप्सिस ये पढ़ के आएंगे, प्रोफेज वन, मियोसिस वन का, प्रोफेज वन का चारों स्टेजेस है ना, पांचों स्टेजेस, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस है, बस ये थोड़ा देख के आएंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं तब अगले क्लास में। Thank you.